दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की अब सक्सेस में। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। आप सभी का जो है पीटी पीएसटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आप सभी लोग जो है वो अपना अपना पीटी पीएसटी का रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका जो है वो लिस्ट में नाम है कि नहीं है, ठीक है। तो वो लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और कैसे डाउनलोड कीजिएगा, रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है। चलिए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कट ऑफ का भी हम जो है वो इसमें जिक्र करेंगे, ठीक है, कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया, मेल का फीमेल का सारा चीज़ ऑल जो है वो आपका जितना भी सारा क्वेश्चन है क्वेरी है वो सब इस वीडियो में आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। फिजिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सारा चीज इसमें आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कट ऑफ, ठीक है, एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी का कट ऑफ, ठीक है ना, एसएससी जीडी का कट ऑफ यहां पे देख सकते हैं, ये है आपका किसका गया है यह कट ऑफ, एसएसएफ के लिए कट ऑफ गया, ठीक है ना, एसएसएफ के लिए कट ऑफ गया एससी कैटेगरी में, ठीक है ना। एसएसएफ के लिए एससी कैटेगरी में कितना गया है, यहाँ पे 148 गया भाई 160 में, ठीक है। एसटी के लिए 143 गया, ओबीसी के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, यूआर के लिए 153 और ईएसएम के लिए 94, ठीक है भाई, गजब कट ऑफ गया एकदम, ठीक है, इतना 160 में गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और जो भी पोस्ट है, ठीक है, एसएसएफ के अलावा जितने भी पोस्ट है वो सब जो है वो कैटेगरी वाइज और यहाँ पे जो है वो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है, ठीक है। तो ये है फीमेल का कट ऑफ, आप अपना कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ये मेल का कट ऑफ है, मेल में देखा जाए बिहार का, तो यहाँ पे देखते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो किसका गया है, तो मेल में बिहार का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है यू आर कैटेगरी और ओ बी सी, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में, जनरल डिस्ट्रिक्ट में यू आर कैटेगरी के यहाँ पे देख सकते हैं कितना गया है, ये बिहार में देखना है ना, बिहार में यू आर कैटेगरी के लिए 125.7 गया है और यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट यू आर के लिए 119 गया, ठीक है, यानी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बिहार में 125 गया है यू आर कैटेगरी का, ठीक है, यू आर कैटेगरी का और ओ बी सी कैटेगरी का 125 गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं, बारी बारी से अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कट ऑफ वाला वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो है आप लोग कैसे जाँच कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लिस्ट टू, ठीक है, लिस्ट टू में मेल का कट ऑफ है, ठीक है ना, सॉरी मेल का ये रिजल्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है क्या, कांस्टेबल जीडीएन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफल्समैन जीडीएन आसाम राइफल्स 2024 लिस्ट टू, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर पीटी पीएसटी इन रोल नंबर ऑर्डर, ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे जो है वो दिया गया, सीरियली नंबर से नहीं, रोल नंबर के हिसाब से दिया गया। तो इसको खोजना कैसे है, देखो सबसे पहले कि ये पेज कितना है, 3109 पेज है, ठीक है, 3109 पेज है, तो बहुत सारे लोग का जो है वो इसमें रिजल्ट हुआ होगा, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोग जो है वो कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना, अभी जस्ट यहाँ पे पता चल जाएगा। और इस पेज में खोजने के लिए भाई थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो जो है वो आपका इसमें मिलेगा नहीं, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, तब तक यहाँ पे काउंट हो रहा है, 3109 पेज है टोटल, ठीक है ना, लास्ट तक हम पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लोग वेट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट है कितना है, मेल में 3,10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख, ठीक है, 3,10,678 कैंडिडेट जो यहाँ पे पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए, ठीक है, कितना, 3,10,678 ये मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो है वो रोल नंबर के हिसाब से या फिर नाम के हिसाब से खोजेगा, तो नाम से तो खैर बहुत सारा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन रोल नंबर के हिसाब से खोजना, आप अपना एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखिएगा और रोल नंबर देखने के बाद में एक यहाँ पे जो है आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना, जैसे हम यहाँ पे अपना रोल नंबर डालते हैं, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है, और ये रोल नंबर डालने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सर्च करता है 3,10,678 कैंडिडेट में आपको इसको ढूंढ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 00 लिखा आया है, यहाँ पे पक्का 101 लिखा आया है, ठीक है ना, अगर आपका रिजल्ट होगा तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, और अगर आपका नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि आपका जो है पीटी पीएसटी में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी 0 of 0 है, अभी देखिए 101 हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, अमृत कुमार, ठीक है, ये है मेरा रोल नंबर, ठीक है ना, अमृत कुमार के नाम से, ठीक है। तो ये पीटी पीएसटी का वाला जो है वो आपका यहाँ पे क्या था, लिस्ट था, ठीक है। तो इसमें नंबर डालने के बाद में, रोल नंबर डालने के बाद में जो है आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तब जो है वो आपका यहाँ पे फाइंड करेगा, अगर आप वेट नहीं कीजिएगा तो आप जो है वो सोचिएगा कि मेरा नहीं हुआ है, अगर हुआ भी रहेगा तो लगेगा कि नहीं हुआ है, ठीक है, और छूट जाएगा आपका फिर, ठीक है ना। तो वेट करना, जिसका जिसका नहीं मिल रहा थोड़ा सा रोल नंबर डाल के और वेट कर लेना थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका लिस्ट टू यानी कि मेल का कैंडिडेट, इसके बाद में फीमेल का कैंडिडेट भी जस्ट ऐसा ही, ठीक है ना, फीमेल के कैंडिडेट में आप लोग भी ऐसे ही आप लोग खोज सकते हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट कितना जाएगा, मेरिट कितना पर आपको जो है वो लग जाएगा, ठीक है, आप अपना कट ऑफ देख लिए होंगे, फाइनल मेरिट का टेंशन हो रहा होगा कि इतना पर जो है वो मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसका कमेंट्स में कीजिएगा जवाब, हम आपको दे देंगे, ठीक है, मिल जाएगा, उस पर भी वीडियो प्रॉपर बनाकर दे देंगे हम। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज लेते हैं, जय हिंद।